से बहुत कुछ सीखना है। हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। इस पॉडकास्ट में एक डार्क टर्न लाएंगे अभी अगर आप ये फैमिली के साथ देख रहे हो <laughs> तो मे बी डोंट बी अ ग्रेट आइडिया फ्रॉम दिस पॉइंट ठीक है आई फील की स्पेशली जब मैं साइकोलॉजी से बात करता हूँ मुझे पता चला कि सेक्सुअल केमिस्ट्री hmm. ऐसी सारी चीजें बहुत रियल होती है हाँ। चीटिंग एक बहुत रियल चीज होती है आज के जमाने में तो आप एज अ साइकोलॉजिस्ट इन चीजों को हाईलाइट करना चाहोगे एक्सपैंड कर दो तो, स्पेशली भारत में जहां लोग खुद की सेक्सुअलिटी को जानते नहीं इंटीरियर इंडिया में जहां लोगों ने एक्सप्लोरेशन नहीं किया और क्या आप ये भी मानते हो कि प्री मैरिटल सेक्स एक अच्छी चीज होती है या बुरी चीज खुद के बॉडी को जानने के लिए खुद के लाइक्स एंड डिसक्स को जानने के लिए इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दीजिए तो so, अगर हम स्पेसिफिकली एक फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें हुँ. तो लेट्स टॉक अबाउट चलो प्री मैरिटल सेक्स द बिग थिंग ठीक है जैसे लोग कहते हैं, अरे शादी से पहले शर्म आनी चाहिए ये वो बट देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट क्योंकि आप एक दूसरे को एक नेचुरल जैसे आप फिजिकली uh, आप ग्रो होते हो आपकी बॉडी ग्रो होती है तो देर आर सर्टन नीड्स ऑफ योर बॉडी आपकी बॉडी की अपनी खुद की नीड होती है जिसको हम इंडिया में ना बहुत ज्यादा शेम करते हैं इट इज वेरी नॉर्मल टू डिमांड सेक्स और एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विद योर फ्रॉम योर पार्टनर और पता है और किसको शेम करते हैं मान लो किसी uh, की रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है हाँ. तो अक्सर बंदा बंदी को ब्लेम करता है कि नहीं तू वर्जिन नहीं है yeah. ये हम पूरे दुनिया में एक्चुअली होता yeah. है uh, पर भारत में थोड़ा सा ज्यादा होता I है आई Uh, जो बहुत सिचुएशन है क्योंकि वो बंदा खुद वर्जिन नहीं है पर बंदी को कह रहा कि नहीं है जो बहुत अभी जो हमने बात करी थी अबाउट डोमिनेंस अबाउट द पावर तो जब एक पार्टनर को एक पावर चाहिए जैसे बंदे को पावर चाहिए कि मेरी बंदी जो लड़की है माई पार्टनर शुड बी क्लीन इनफ एंड शी शूडेंट हैव हैड एनी रिलेशनशिप विध एनी बडी एल्स चलो ठीक है कैजल रिलेशनशिप बना दिया बट फिज़िकली भाई दूर रहो लाइक दैट तो अगर ये चीज़ है न ये मैन मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा है मैं इसके इसे एक टॉक्सिसिटी का नाम दे दूँगी डेफिनेटली क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉक्सिक है क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं हो तो हाउड ड्यू एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू बी और ये रिवर्स भी हो सकता है लड़के भी कर सकते हैं लड़के की ये बता कि उस लड़की के साथ क्या क्या, क्या हुआ था एटसेट्रा एटसेट्रा और फिर आ, उस चीज को लेकर झगड़े करना लाइक like, मेरी एक रिलेशनशिप थी जहाँ लड़की ने मुझे मुझसे सारे डिटेल्स ले लिए <laughs> और मैं भी भूल गया कि मैंने क्या मिस आउट किया फिर बाद में एक महीने दो महीने बाद किसी और के बारे में पूछा बोला कि कभी ऐसा हुआ है तो बोला हाँ। तो बोला शी सर कि दो महीने पहले जब मैंने वो पूछा था तो अब बताया नहीं, नहीं। आ, आ, तब क्यों तो ये दोनों साइड से हो सकता है पर ये बहुत आई फील की इट्स नॉट अ मच्योर थिंग टू डू क्योंकि uh, हर किसी का पास्ट होता है स्पेशली अगर आप मिड ट्वेंटीज तक पहुंच चुके हो इस देश में आज के जमाने में हर किसी का पास्ट है ऑफ कोर्स यस मतलब अगर आप आज से दस साल पहले भी बात करो तो स्टिल इट्स अ डिफरेंस इट वॉज अ डिफरेंट सिचुएशन बट आज की बात करो तो इट इज़ वेरी नॉर्मल तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्री मैराटल सेक्स के बारे में बात करेंगे तो इट इज़ वेरी नॉर्मल टू गेट इनक्लाइंट क्योंकि जैसे ही आप आज uh, अगर मैं आपको पंद्रह साल पुरानी साइकोलॉजी रिसर्च बताऊं तो उस वक्त पे uh, एक हॉर्मोन्े रेज होते थे एट द एज ऑफ सेवनटीन सिक्सटीन ठीक है आज द रिसर्च इज इट्स टेन एंड नाइन

यार ये थोड़ा हमको अनकम्फर्टेबल लग रहा है यार बड़ा अजीब सा लग रहा मतलब है मतलब सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से बायोलॉजिकल चेंजेस होने लगे हैं बहुत ज्यादा बिकॉज मीडिया की एक्सपोजर बहुत ज्यादा है आज की तारीख में मतलब एक्चुअली ह्यूमन बॉडी इवॉल्व कर रही है yes. आई एम श्योर कि गर्ल्स के पीरियड्स भी जल्दी आने लगे कोर्स पहले आ, पहले के टाइम में जब आ, हम पीरियड्स की बात करें तो पहले एटलीस्ट इट यूज्ड टू बी एट्थ एंड सेवेंथ ठीक है बट आज फोर्थ स्टैंडर्ड में आ जाते हैं दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज कि आपकी हॉर्मोन्स एक्चुअली अरेज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एंड इट्स कम्प्लीटली अ प्ले ऑफ हॉर्मोन्स क्योंकि आप uh, पिक मूवीज़ भी देख रहे हो तो मूवीज़ में इट्स टूडे इट्स बिकम वेरी नॉर्मल फॉर पेरेंट्स टू सेट टुगेदर एंड वॉच अ मूवी विच हैज़ एनी काइंड ऑफ इंटीमेट एक्ट ठीक है तो कहीं पर माँ बाप को लगता है कि बच्चों को नहीं समझ आ रहा है बट समझ आ रहा है एंड वन ऑफ़ द इंसीडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि रिसेंटली um, मतलब आई आई जस्ट विजिटेड अ डॉक्टर फॉर यू नो फॉर बिकॉज आई वॉज हैविंग सम गट इशूज़ तो आई वॉज जस्ट सिटिंग एट द डिस्पेंसरी एंड आई सो आई थिंक अ टू ईयर ओल्ड बॉय टू ईयर ओल्ड टू टू एंड हाफ ईयर ओल्ड बॉय जो बैठ करके यूट्यूब uh, पे स्क्रोल कर रहा है मतलब लेजिट स्क्रोलिंग चल रही है एंड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग दैट्स कमिंग ऑन द स्क्रोल मतलब वो फ़ोन किसका हुआ पेरेंट्स का हुआ तो माँ बाप ने पहले जो भी देखा हुआ होगा वो बच्चा देख ही रहा है इट कुड हैव एडल्ट कॉन्टेंट इट कैन हैव बच्चों का कॉन्टेंट इट कैन हैव एनी थिंग एंड आई वॉज लिटरली वॉचिंग दैट बॉय यू नो स्क्रोलिंग अच्छा कुछ अच्छा लग रहा है देख रहा है नहीं अच्छा लग रहा है ओके स्क्रोल आप ओके स्क्रोल आप एंड आई वो आई वो टेकन अ बैक क्योंकि अगर एट दिस पॉइंट अगर बच्चा इतना ज़्यादा मेच्योर हो रहा है तो इमेजिन नेक्स्ट फोर ईयर्स

Hmm. एक hmm. बातें भी नहीं होती थी ऐसी सेक्सुअल hmm. hmm. yeah. और वर्जिन होना एक बुरी बात है उनके लिए, huh. weird, yeah. I mean, one, them, उनका कल्चर भी उनकी अपब्रिंगिंग अलग है hmm. हमारी अपब्रिंगिंग से बिकॉज फ्रामीज आर फॉर्मिंग उनके पास सोशल मीडिया ऑलरेडी था फेसबुक था तब तो आपको लगा कि कल्चर ज्यादा सेक्शुअलाइज हो रहा है और रिलेशनशिप्स में सेक्स का uh, महत्व ज्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है क्योंकि आज तो इस मीडिया so, uh, अगर आप किसी से इंक्लाइंड नहीं हो अगर आप फिजिकल uh, केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में नहीं है सो इट इज शेम क्योंकि जा रहा है इस चीजों को इन जेंसो क्या, uh, क्या शेम किया जा रहा है शेम ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छा तुम दोनों मतलब अभी भी यू स्टे लाइक देर इज नथिंग बिटवीन यू गाइज ऐसे कैसे हो गया मतलब क्या ऐसे सो इट्स बीन शेम्ड इन अ स्पेसिफिक वे जहाँ पे इफ़ यू आर लिविंग इन अ कैजुअल रिलेशनशिप एंड येट नॉट एक्सप्लोर्ड योर सेल्फ एंड योर पार्टनर तो वो डाउनसाइज किया जा रहा है वेर एज इफ यू दिस कैन हैपन फॉर अ लॉट ऑफ कपल्स ठीक है आज के जेंजीज भी आई नो अ ल लॉट ऑफ देम जहाँ पे गेट टुगेदर एंड येट दे नो द बाउंड्रीज रीज़न बिकॉज द येट एक्सप्लोरिंग द इमोशनल क्वेश्चन विथ ईच अदर रैदर दैन फर्स्ट जस्ट गेटिंग इन टू द केमस्ट्री पास पॉजिटिव साइड होती है ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और लेस जजमेंटल होते हैं है, है, yes. तो uh, ये एक चीज़ भी है दूसरा बिकॉज के मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप कर लिया है एंड uh, कल्चर बहुत ज़्यादा सेक्शुलाइज हो गया है सो इवन इफ यू सी दैट आज के तारीख में लोगों की जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बहुत चेंज हो गई है इफ़ यू नोटिस द जेंज द काइंड ऑफ आउटफिट्स दैट दे वेयर आर वेरी वेरी डिफरेंट देन वॉट यू सी विच वज टेन ईयर्स बैक ठीक है तो आ, बहुत सारे लोग आके ये भी कह कहते हैं पता है कॉन्ट्रोवर्शियल तो, क्या पहले भी तो ऐसा था यू मतलब पहले भी तो ऐसा था अगर आप पहले के गाने देखोगे तो दे वर क्वाइट सेक्शुअलाइज ऑल्सो देवर कपल ऑफ अदर आई रिमेंबर सम गोविंदा सॉन्ग्स एंड सम ओल्ड सॉन्ग्स विच आर वेरी वेरी सेक्शुअलाइज्ड ओके इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स आई रिमेंबर देवर सम ऑफ देम जो मीम बनाए गए थे तो वो अमाउंट ऑफ कॉन्टेंट जो था उसका रेशियो एंड आज के रेशियो में बहुत फर्क है नॉट दैट वी डेंट हैव द एक्सपोजर अर्लियर वी डिड बट रेशियो एक लेवल पे था आज बहुत ज़्यादा है ठीक है तो कहीं ना कहीं पीपल्ड फॉर नॉट गेटिंग कोजी और नॉट है प्रीमेटल होता है सो देर इज नो बैड और गुड अबाउट इट इट इज ऑल अबाउट आप दोनों अलाइंट हो एक दूसरे के साथ देन इफ यक्सप्लोरिंग योर सेल्फ नो हम ओके हमने सेक्शुअल केमिस्ट्री की बात करी hmm. आपको समझ में कैसे आया कि आपकी सेक्शुअल केमिस्ट्री अच्छी है बुरी है अगर आपके आपका सिर्फ एक पार्टनर हुआ है आपकी केमिस्ट्री कम्पलीटली डिपेंड्स ऑन योर इमोशनल इंटीमेसी हम भूल जाते हैं आपके साथ बहुत अच्छा है इमोशनली सो द फिजिकल केमिस्ट्री वु गुड टू एंड यू वर्क ऑन इट समय ठीक hmm. है, बट अगर इमोशनल मेरा इमोशनल कनेक्ट आपके साथ कम है तो मे बी आईनशिपेट टू एक्सप्लोर द इमोशनल इंटीमेसी कपल्स एंड दे इमीडिएटली गेट इन टू फिजिकल केमिस्ट्री डेटिंग एप्स का क्या इफेक्ट रहा है रिलेशनशिप्स पर मुझे ये डेफिनेटली पता है कि

द फाउंडर्स वॉन्टेड टू मेक श्योर कि आप आपके मैचिंग पार्टनर्स को मिले जैसे मैंने कहा कि गोल्स आपके मैच होने चाहिए राइट right? तो कहीं पर वो कहता है ना इट्स अ मैच बिकॉज कहीं ना कहीं योर गोल्स एंड ये तो अभी ए आई डिसाइड करता है राइट right? कि बट आप जब किसी को मिलते हो दो इट शोज इट्स अ मैच इट्स नॉट बिकॉज आप ग्लोबली कम्युनिकेट करके आपको पता चलता है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग राइट सो उसी तरीके से डेटिंग ऐप का एक मेन मुद्दा ये था कि कहीं ना कहीं यू है मीट द डिज़ायर्ड पार्टनर ओके बट क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में ये था कि जस्ट कैशली लेट सी अकेला हूँ uh, आज बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है लेट मी फाइंड समन एंड इवन इफ यू सी देर आ लॉट ऑफ मूवीज़ जहाँ पे uh, बहुत सारी सीरीज अगर आप देखोगे तो मूवीज़ देखोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अगर आई एम गेटिंग बोट टूडे लेट मी फाइंड समन ऑन द एप टूडे इफ आई एम फाइंडिंग सम वन आई कैन जस्ट स्पेंड अ नाइट विथ राइट right? तो so, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट करें हमको लग रहा है कि अब होता यह है कि जब हम मीडिया में कुछ देखते हैं वी टेक इट एज एन एक्सेप्टेंस तो हम उसे अप्लाई करना शुरू करते हैं हमारे लाइफ में इज हर चीज बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज हो गई है क्योंकि दैट इंफॉर्मेशन इन द मीडिया वैलिडेट्स द थिंकिंग ऑफ माइंड कि इज इट ओके टू हैी मैरिटल यू सी समथिंग दैट है इन अ शो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्ले लिस्ट देख लीजिए ऐसे ही वीडियोज आपको वहां भी मिलेंगे और डेफिनेटली टीआरएस क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए